इन फलों को तोड़ लेता हूँ, फिर इनके स्वाद का आनंद लूंगा। कौन है? नंदी जी आप? मेरा अभी मन नहीं भरा, इससे अभी और क्रीड़ा करनी है मुझे, इसलिए मेरे शीश पर ही रहने दीजिए इसे। दंड? इसने तो पुनः दंड उठा लिया। नहीं नहीं, नहीं लूंगा। बालक तुम इसके साथ क्रीड़ा करते रहो जब तक तुम्हारी इच्छा करे। हाँ मैं जाता हूँ। प्रभु मैंने उनके सिर से चंद्र को लेने का प्रयास तो किया, किंतु उन्होंने मुझे दंड दिखा दिया। उनके साथ पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो उसके पूर्व ही हमें उसे रोकना होगा। स्वामी, माता, माता यहाँ आ रही है। प्रणाम माता। उत्तम, अति उत्तम। तुम सभी ये ले आए तो अब मैं अपने पुत्र को भोजन करा सकूंगी। किंतु वो है कहाँ? स्वामी ये क्या? सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके शीश को सुशोभित करने वाले चंद्र कहाँ है? देखा आपने, ये है परिणाम ध्यान में मग्न रहने का। आपको ज्ञात भी नहीं कि आपके शीश से चंद्र कहाँ चले गए और हमारा पुत्र वो कहाँ है? वो माता, चंद्र तो आपके पुत्र के पास ही है। वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं और वो उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम जाकर उससे कह दो, वो लौटा देगा चंद्र को। क्या हुआ? मैंने कहा ना जाकर मांग लो उससे चंद्र को, तो फिर विलंब क्यों कर रहे हो आप सभी? जाते क्यों नहीं? नंदी दी, माता तो आप ही बताओ। माता, हम सभी ने प्रयास तो किया किंतु वो तुम तो माता प्लाया तमाले ताले आता बनोते क्योंकि वो तो माता हम गए थे उनके पास किंतु उन्होंने चंद्र देने से मना कर दिया। माता, उन्होंने अपने हाथ में दंड ले रखा है। पिछली बार उनके हाथ में दंड था तो स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई थी। और माता, अब तो उनके पास दंड भी है और तंडल भी है। बस शांत हो जाओ तुम सभी। नटखट अवश्य है मेरा पुत्र, किंतु है तो एक बालक ही ना। चंद्र को क्रीड़ा की कोई वस्तु समझकर ले गया होगा। इसमें दोष मेरे पुत्र का नहीं, उसके बड़ों का है, जो जगत के प्रति अपने दायित्व निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पुत्र का ही ध्यान नहीं रख पाए। किंतु आप सभी चिंता मत करिए, मेरा पुत्र अभी चंद्र को ले आएगा। पुत्र, तुम्हारे पिता के शीश पर स्थित रहने वाला चंद्र क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, साक्षात चंद्रदेव के प्रतीक है। उनके अपने स्थान पर ना होने से चंद्रदेव भी प्रभावित हो रहे हैं, इससे सृष्टि का भी अहित हो रहा है। उन्हें शीघ्र
शीघ्र लौटा दो पुत्र, शीघ्र आओ यहाँ। अभी आया माँ। पुना ऐसा कभी मत करना पुत्र, अपने पिता के शीश से चंद्र को कभी मत उतारना। चलो अब उन्हें उनके स्थान पर स्थित कर दो। अच्छा माँ, अभी रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पुना नहीं उछाला जाना चाहता, मुक्त कराओ मुझे, मुक्त कराओ। इतनी यातना नहीं झेल सकता मैं अब। ये क्या? वहां अवश्य कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है। मैं पुनः महादेव के मस्तक पर स्थित हो गया हूँ, मैं रक्षित हो गया हूँ, अब सब कुशल है। स्वामी, इस घटना के परिणाम स्वरूप आपको ये तो ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती के पुत्र क्या कर सकते हैं। अब ज्ञात हो गया है मुझे, नटखट है पार्वती नंदन, किंतु माता पार्वती और महादेव उन्हें संस्कार अवश्य देंगे। पिताश्री, मेरी ये भूल भी क्षमा करें, भविष्य में मैं कभी भी चंद्रमा के साथ क्रीड़ा नहीं करूंगा। नायक विनम्र जो हुए, चकित सारे गण देखते ही रह गए। चंद्र पुनः शंकर के भाल पे सजा, नाम चरितार्थ चंद्रशेखर हुआ। अनुराग से देखे पुत्र को पिता, हर्षित परिवार को देख के उमा। परमपिता ब्रह्मदेव, वो दुष्ट दानव भोलेनाथ और माता पार्वती के बालक के विषय में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों था? ये जानने के लिए मैं स्वयं उत्सुक हूँ पिताश्री। क्योंकि पार्वती पुत्र ही इस दुष्ट सिंदूरा का काल बनेगा देवर्षि। किंतु उस दुष्ट दानव ने आपको पिता कहकर संबोधित क्यों किया? देवर्षि नारद, आपका भ्राता एवं मेरा पुत्र ही है ये दुष्ट सिंदूरा, जो मेरी जम्भाई से ही उत्पन्न हुआ था। जम्भाई से? कैसे? मैं अपने ध्यान में लीन था, किंतु अचानक क्षण भर के लिए मेरी एकाग्रता भंग हुई। सृष्टि रचयिता का ध्यान भंग होना सृष्टि के प्रति उचित नहीं है। मुझे अपनी इस बड़ी भूल का आभास हुआ और मैंने पुनः स्वयं को ध्यान में स्थिर कर लिया। मैं निश्चिंत था कि मेरी इस त्रुटि से सृष्टि की कोई क्षति नहीं हुई, किंतु अनायास मुझे जम्भाई आ गई और मेरा मुख खुल गया। उसी अवकाश में यह जन्म लेकर प्रस्तुत हुआ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पुत्र,
कभी कभी भूल भी वरदान बनकर हृदय को हर्षित करती है। तुमने मेरी जम्बाई से उत्पन्न होकर हमें अपार सुख प्रदान किया है। सिंदूर के समान लाल रंग होने के कारण तुम्हारा नाम होगा सिंदूरा, 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 सिंदूरा। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। उसके सुंदर रूप ने हमें पुत्र मोह में डाल दिया और हमने उसे अनेकों वरदान दे डाले। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन वरदानों का इतना भीषण परिणाम भी हो सकता है। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। सिंदूरा का जन्म हुआ तो उसमें दिव्यता का समावेश था, किंतु लोभ और बल तो दिव्यता को भी दूषित कर देते हैं। पुत्र, स्नेहवश हमने उसे जितने वरदान दिए उसके अहंकार में उतनी ही वृद्धि होती गई। पुत्र, तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अपने शत्रुओं की बुद्धि में प्रवेश कर उनको नियंत्रण रखने में तुम हमेशा समर्थ रहोगे और उन पर सदैव विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत होगा। अब कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, न देव, न दानव, न यक्ष और न मनुष्य। कोई वध नहीं कर सकेगा मेरा। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं। अजय हो गया है सिंदूरा। अब जब मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ, किसी को भी, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं कि इंद्र और दिक्पाल भी मेरे समक्ष नमन करने पर विवश हो जाएंगे। त्रिलोक का अधिपति बनूंगा मैं और मेरे सेवक बनेंगे समस्त देवता। पिताश्री, इन वरदानों के लिए आपका धन्यवाद, किंतु ये सत्य है भी या नहीं इसका परीक्षण तो मुझे करना ही होगा। तो क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या तुम मेरा ही अंत करना चाहते हो? क्या ये उचित है? बलशाली की इच्छा स्वतः उचित हो जाती है। महाज्ञानी है आप, इतना भी नहीं जानते? सत्य है, विषधर को दुग्ध पान कराने से उसका विष बढ़ता ही है। पुत्र, सौंदर्य से मुक्त होकर ये नहीं समझ सका था मैं, किंतु अभी तो कोई उपाय कर इसे रोकना होगा। पुत्र, तुम एक महाबलशाली युवा हो और मैं एक वयोवृद्ध सृष्टि रचयिता योद्धा नहीं हूं मैं, किंतु मुझे तो अपनी शक्तियों का परीक्षण करना है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए या। पुत्र, तुम श्री हरि नारायण के पास जाओ, वो युद्ध करने में पारंगत हैं। तुमसे युद्ध करने के योग्य तो वही हैं, मैं नहीं। और इस प्रकार असाधारण बल और अहंकार से परिपूर्ण सिंदूरा बैकुंठ पहुंच गया। नारायण, कहां छुपे बैठे हैं नारायण? मेरे समक्ष आइए। ये आप क्या कर बैठे ब्रह्मदेव?
अब मोहग्रस्त पिता के अविचारपूर्ण वरदान के कारण त्रिभुवन को यातना सहनी होगी। नारायण, मैं सिंदूरा आपसे युद्ध करने आया हूं। मुझसे युद्ध? परंतु मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं। शत्रुता नहीं तो क्या हुआ? मुझे ब्रह्मदेव के वरदान से मिली शक्ति का परीक्षण करना है। सुना है कि महाकुशल योद्धा है आप, इसीलिए मैं आपको अपनी भुजाओं में भरने आया हूं। पुत्र, युद्ध आदि तो मैं त्याग चुका, सृष्टि का पालन पोषण करने के कार्य में ही व्यस्त रहता। तुम महादेव पुत्र कार्तिकेय से युद्ध क्यों नहीं करते? युवा महायोद्धा कार्तिकेय ही देवताओं के सेनापति और रक्षक हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से ताड़कासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध किया है। तुम कैलाश जाओ और उनसे युद्ध कर। यदि तुमने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया तो संपूर्ण देवता स्वतः ही तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देंगे। कार्तिकेय और तब सिंदूरा कार्तिकेय को ढूंढता हुआ कैलाश पहुंच गया, किंतु तो ये है कैलाश, यही मिलेगा वो महायोद्धा शिवपुत्र कार्तिकेय। ये चूड़ियों की खनखनाहट कहां से आई? अत्यंत मधुर ध्वनि है। किंतु कार्तिकेय के स्थान पर उस दुष्ट की कुदृष्टि पड़ी देवी पार्वती पर। देवी के अपार सौंदर्य ने तो मेरा मन मोह लिया, मुग्ध हो गया है सिंदूरा इनके इस मनभावन रूप से। और जिस पर सिंदूरा मुग्ध हो जाए उसे प्राप्त करके ही रहेगा। संयोग से उस समय महादेव और कार्तिकेय दोनों ही वहां उपस्थित नहीं थे। अपनी वरदानी शक्तियों से प्राप्त बल के मद में मदमस्त देवी पार्वती पर मोहित वो तुष्ट दुर्भावना हृदय में धारण किए देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। ये वही समय था जब देवी पार्वती संतान प्राप्ति की प्रबल कामना मन में धारण कर अपनी कल्पना से उसकी छवि को चित्रित कर रही थी। जब सिंदूरा उनके समीप पहुंचा उसी समय देवी पार्वती द्वारा चित्रित उस छवि से ही एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सिंदूरा से टकराया और वह तुष्ट कैलाश के बाहर जा गिरा। जिस पुत्र ने जन्म से पूर्व ही सिंदूरा से अपनी माता देवी पार्वती की रक्षा की उसको सिंदूरा के पग पग का भान है। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे सुकार्य करे जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व कर सके। मैंने तुम्हें कई वरदान दिए परंतु तुमने उन सबका दुरुपयोग करना ही उचित समझा। उन शक्तियों के साथ मुझ पर ही आक्रमण किया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं
जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। जिन देवी को तुमने कुदृष्टि से देखा उन्हीं का दूसरा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। स्मरण रखूंगा, सदैव स्मरण रखूंगा ब्रह्मदेव। मुझे गुरु बनाने के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा आपको। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। यदि वो बालक मेरे लिए काल है तो सिंदूरा भी उसके लिए महाकाल है। स्वादिष्ट मधुर फल। आहा, इतने स्वादिष्ट फल प्रस्तुत है मेरे लिए। अब तो उदर भर खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। फल उठाने से क्यों रोक दिया? कितनी भूख लगी है मुझे। पुत्र, अपने हाथ और मुख को देखो। संपूर्ण दिवस भर क्रीड़ा करते रहे, इसलिए जब तक तुम स्वयं को स्वच्छ नहीं कर लोगे कुछ भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। भोजन के पूर्व अपने देह को स्वच्छ करना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता ही तुम्हें निरोग बनाएगी। समझ गया मैं। लीजिए माँ, मैं हो गया स्वच्छ। अब खा लूं? बहुत भूख लगी है मुझे। बालक है पार्वती, संस्कार भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। हाँ माँ, धीरे धीरे आप जो भी सिखाएंगी वो सब सीख जाऊंगा मैं। किंतु अभी तो फल उठा लूं? नहीं पुत्र, हाथ और मुख को वस्त्र से पोंछ लेना पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद ही तुम्हें भोजन प्राप्त होगा। चलो मैं तुम्हें स्नान कराती हूँ। क्यों माँ, स्नान की क्या आवश्यकता है? मुझे कितनी भूख लगी है, भोजन करा दीजिए ना माँ। पुत्र, जिस प्रकार स्वादिष्ट फल खाकर तुम अपनी भूख मिटाती हो, अपने शरीर को शक्ति प्रदान करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने शरीर और मस्तिष्क को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। स्नान से तन तो स्वच्छ होगा ही, मन भी स्वच्छ होकर तुम्हें दिवस भर के श्रम के लिए तैयार करेगा। तन और मन दोनों स्वच्छ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके विचार और कर्म भी अच्छे होते हैं। नंदी, मेरे पुत्र के स्नान के लिए स्नान कुंड की व्यवस्था करो। जो आज्ञा माता। आओ पुत्र। कान जी, सोन जी, अब तो स्नान करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव, पाताल लोक भेजे जाने के पश्चात सिंदूरा का क्या हुआ? पाताल में सिंदूरा की भेंट सिंहिका से हुई। हे
गिरकर स्वयं मेरे समीप पहुंच गया। आनंद, बहुत आनंद आएगा इसे अपना आहार बनाने में। छोड़ दो मुझे। मेरा शरीर अशक्त हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। छोड़ो मुझे, मेरा शरीर बहुत अशक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौती और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये क्या? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मुझे रोक रही है? मैं इसे खींच क्यों नहीं पा रही हूं? दूर हटो मुझसे, मुझे अपना आहार बनाना चाहती थी ना तुम, अब मैं उसका दंड तुम्हें दूंगा, वध करूंगा मैं तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझ जैसी वृद्धा पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्या लाभ है? क्या अर्थ है तुम्हारा वृद्धा मायाविनी? शीघ्र इसका ध्यान मुझ पर से कहीं और परिवर्तित करना होगा। यदि तुम वास्तव में आसुरीय शक्ति के स्वामी हो तो जाओ और पाताल लोक के शासक गजमुख असुर से युद्ध करो, उसे पराजित करो और बन जाओ असुर सम्राट। तुम्हारी नेत्रों में झांकते ही मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें सत्ता की भूख है। यदि तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी तो तुम पाताल लोक के अधिपति बन जाओगे। वृद्धा, तो तुम मुझे गजमुखासुर के निकट लेके चलो। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। मैं तो उस दुष्ट गजमुखासुर के आसपास फटकना भी नहीं चाहती। तुम मुझे वहां ले चलोगी या वध करूं मैं तुम्हारा? बताओ क्या चाहती हो तुम? कैसा महामूर्ख है ये, बिना किसी तैयारी के गजमुखासुर से भिड़ेगा तो स्वयं तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, मेरा भी वध करवाएगा। किंतु सिंदूरा के पास ऐसी कई वरदानी शक्तियां हैं जिनसे वो अपराजय बन गया है। उसने गजमुखासुर को परास्त कर पाताल लोक अपने अधीन कर लिया है, असुर सम्राट बन गया है। परम पिता ब्रह्मदेव, देवताओं से बहुत बड़ी भूल हुई थी क्या जिसका आपने इतना बड़ा दंड दिया? दुष्ट दानव को अजय बना दिया और पाताल भेज दिया। अब दुष्ट दानव सर्वनाशी महासंकट बनकर सर्व देवों पर छाएगा। सृष्टि के रचयिता ने ही सृष्टि के विनाश का प्रबंध कर दिया। ये सत्य है कि सिंदूर अजय है, वो हम सभी का विनाश कर सकता है, किंतु बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई का आगमन हो चुका है। सिंदूरा का वध करने वाले ने महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में कैलाश पर जन्म ले लिया है। विनाशन मंगल
तन मन दोनों ही शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं स्नान से। बाल्यावस्था से ही स्वच्छता का नियमित अभ्यास तो अति आवश्यक है। मेरा उदर भूख के कारण अशांत हो रहा है, किंतु माँ ने कहा है स्नान अनिवार्य है तो करना ही होगा, किंतु उसमें ये सभी शीघ्रता क्यों नहीं कर रहे हैं? इस औषधि युक्त के लेप से स्नान करने पर पार्वती नंदन की त्वचा तो और कांतिमय हो जाएगी। पुत्र, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, तुम्हें अच्छे संस्कार देने का दायित्व निभाना तो मेरा कर्तव्य है। आओ पुत्र, सभी प्रबंध हो गए हैं, आओ स्नान कर लो। क्या इस जल भरे कुंड में प्रवेश करना होगा मुझे? माँ ये क्या करवा रही है मुझसे? माँ, मैं इसमें कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो ज्ञात भी नहीं इस जल कुंड के भीतर क्या है, इसका तल कहाँ है, मुझे तो इसका तल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके जल से क्रीड़ा अवश्य की है मैंने माँ, किंतु इसमें प्रवेश कैसे करूँ मैं? इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है, सभी करते हैं। तुम निसंकोच होकर इस कुंड में उतरना प्रारंभ करो, इसका जल तुम्हारे तन को स्वच्छ कर देगा। किंतु माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है पुत्र, फिर तुम्हें किस बात की शंका हो रही है? सहजता से एक एक डग रखकर इस कुंड में प्रवेश करना प्रारंभ करो पुत्र, मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सुरक्षित रखूंगी और तुम कुंड में प्रवेश कर जाओगे। कहीं जल कुंड गहरा तो नहीं? नहीं नहीं माँ, मुझे प्रतीत हो रहा है उसके भीतर पांव रखूंगा तो उसी में समा जाऊंगा मैं, और यदि समा गया इस जल में तो खो जाऊंगा मैं। अरे हम तो डलते हैं, वो भी डलते हैं। अब खोएंगे नहीं, ये तो मात्र छोटा सा कुंड है, इसमें कोई नहीं खो सकता। आइए प्रवेश कीजिए। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है, इसीलिए भय किसी भी कारण हो उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। भूल जाओ भय को, सामना करो उसका, बंद करो अपने नेत्र और निशंक होकर लगा दो छलांग इस कुंड में। माँ उचित कहती है, अपने इस भय का सामना तो अभी ही करना होगा मुझे। देखिए माँ, भय को भगा दिया मैंने, मिटा दिए सारे संशय, कुंड में प्रवेश कर गया हूँ मैं और कुछ भी नहीं हुआ मुझे, विजय प्राप्त कर ली है मैंने अपने भय पर। विजय तो तुमने प्राप्त की पुत्र, और भीगी विजया और जया है। अरे ये सभी भीग कैसे गए और कुंड का जल कहाँ गया? वही उड़कर इन सभी पर पड़ गया क्या? पुत्र, ये क्या किया तुमने? तुम्हें जल में धीरे धीरे उतरना चाहिए था ना? किंतु माँ, आप ही ने तो कहा था नेत्र बंद करो और छलांग लगा दो, आपकी आज्ञा तो कदापि नहीं टाल सकता ना माँ, तो मैंने लगा दी छलांग। पुत्र, मैंने कहा अवश्य था, किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारे किसी भी कार्य से दूसरों को असुविधा न पहुँचे। नंदी, आपको कुंड को पुनः तैयार करना होगा, उसमें पुनः जल भर दो। अरे तुम दोनों तो ऊपर से नीचे तक भीग गई हो, शीघ्र जाकर सूखे वस्त्र धारण कर लो, अन्यथा स्वास्थ्य को हानि होगी।
भीग होकर प्रवेश करूंगा मैं जल में। पुत्र, अपने भय पर विजय प्राप्त करने के साथ अपने संकट के प्रति सहज रहना भी आवश्यक है। अपने समीप की परिस्थितियों के प्रति सजग रहकर संकट टाले जा सकते हैं। इसीलिए कुंड में उतरने के पूर्व देख लो कि जल का तापमान अधिक तो नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रहे सून जी? उचित है सून जी, आप ही जांच लीजिए। अरे अरे सून जी, अब जल क्यों खींच रहे हैं? अच्छी। हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है आज? अभी सूखे वस्त्र धारण किए थे हमने और इसने पुनः ही भिगा दिया हमें। सून जी, ये क्या कर दिया आपने? जया और विजया मौसी पर पुनः जल की बौछार कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए विजया मौसी। जया मौसी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। एक बार पुनः प्रयास करके देखता हूँ, किंतु इस बार धीरे धीरे प्रवेश करता हूँ। इस जल का स्पर्श तो अत्यंत आनंददायक है। अरे वाह, इसमें मेरे हिलने से तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। और करके देखता हूँ, यदि मैं स्नान कर रहा हूँ तो क्यों ना आप सब भी मेरे साथ साथ ही स्नान कर लें। आज हमारे भाग्य में भीगना ही लिखा है क्या? आहा, ये तो बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं जल में। अद्भुत है ये क्रीड़ा। तोतला जी तो निकट आ रहे हैं। अब तो तोतला जी की बारी। पार्वती नंदन स्नान कर रहे हैं या हमें स्नान करवा रहे हैं? पुत्र, स्नान की क्रीड़ा तो मुझे अत्यंत आनंद दे रही है। माँ देखिए, माँ मैं स्नान कर रहा हूँ। पुत्र, जल के साथ क्रीड़ा स्नान नहीं होता। इधर आ। पुत्र, स्नान का अर्थ है अपने तन से मैल को हटाना। उसके लिए ये लेप तुम्हारे शरीर पर मल रहे हैं। स्थिर रहो पुत्र, क्या कर रहे हो? हिलो मत। कैसे ना हिलो माँ, इतनी गुदगुदी हो रही है मुझे। अभी इस लेप को अपने तन से धोकर जल से बाहर आ जाओ पुत्र। माता, हम इनके स्नान के पश्चात इन्हें वस्त्र क्या पहनाएंगे? अरे हाँ नंदी, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रथम स्नान के पश्चात तो मामी के यहाँ से आए नवीन वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं कर देती हूँ देवी पार्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी, स्वागत है आपका। बालक के प्रथम स्नान के पश्चात उसके वस्त्र तो मामी ही देती है ना? मौसी तो समझ में आ गया मुझे माँ, किंतु ये मामी कौन होती है? मेरे भ्राता की पत्नी।
उनकी सहभागिनी तुम्हारी मामी हुई पुत्र, माँ के भ्राता मामा तो उनकी पत्नी मामी। आपके भ्राता तो जगत के पालनहार श्री हरि नारायण है ना, तो क्या वही मेरे मामा जी हैं? हाँ पुत्र, ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री हरि तुम्हारे मामा हैं। मामी जी, आज प्रथम स्नान गजानन लिए, सहायता करे उमा विष्णु प्रिय, वस्त्र तन को सुंदर से पहना रही, भिन्न भिन्न आभूषण भी सजा रही। पिताश्री, सुंदर, अति सुंदर, अति मनोहर मंगल मूर्ति है हमारा पुत्र। पिताश्री देखिए ना, मैं तो स्नान भी कराया और नवीन वस्त्र और आभूषण भी धारण कर लिए मैंने। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, और तुम इतने संस्कारी हो ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। आप तीनों को एक साथ देखकर मेरा मन आनंद से भर गया है, किंतु अब मुझे वैकुंठ जाना होगा। श्री हरि नारायण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मामा जी से भेंट तो हो गई, किंतु अब मामा जी से भी तो भेंट करनी होगी। क्यों सुन जी, चलें फिर मामा जी के धाम।